हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सुल्तान ताबिश। मैं आपको यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और सेहत और तंदुरुस्ती में होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिज़िकल कमज़ोरी की, यानी जिस्मानी कमज़ोरी की और मेंटल कमज़ोरी की, जो अक्सर लोगों को दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। हम देखेंगे कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो हम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए या फिर जो है दिमागी कमज़ोरी के लिए दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारी जो है होम्योपैथिक की मेडिसिन डिस्कस करेंगे। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आजकल के दौर में क्योंकि जो लोग जो है मुनासिब गुज़ा मुतवादन गुज़ा इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से जो है बहुत से लोग जो है कमज़ोरी की शिकायत करते हैं। अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं उनको कुछ जिस्मानी कमज़ोरी है, उनको दिमागी कमज़ोरी है, और बहुत से ऐसे भी मैंने देखा है कि जो कुछ लोग किसी बीमारी में मुबतला हो जाते हैं, जब बीमारी से वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद भी जो है उनको जो है जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है। तो जिस्मानी कमज़ोरी की बहुत सी रीज़न हो सकती है, लेकिन मेन जो रीज़न है कि किसी बीमारी के बाद जो है कोई शख्स कमज़ोर हो जाए, या इसके अलावा जो है अगर कोई मुनासिब खुराक इस्तेमाल ना करें तो तब भी जो है जिस्मानी कमज़ोरी या फिर ज़हनी कमज़ोरी या फिर मेंटली कमज़ोरी जो है ये हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी हो सकती है। मुख्तलिफ बीमारी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, इसके अलावा जो है ऑफिस का आपकी रूटीन हो सकती है, काम की रूटीन हो सकती है, यानी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी या फिर जो है दिमागी कमज़ोरी हो सकती है। तो हम देखेंगे कि आज की वीडियो में हम ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिनको देने से जो है जिस्मानी कमज़ोरी और जो है मेंटली कमज़ोरी ख़त्म हो जाए। और जब आपको जिस्मानी कमज़ोरी या फिर मेंटली कमज़ोरी नहीं होगी तो आप अच्छी तरह आप काम कर सकेंगे, आप जो है डेली रूटीन के वक्त जो है वो मुनासिब तरीके से परफॉर्म करेंगे, आपका ऑफिस में काम करने को दिल करेगा, आप इसी तरह जब अपनी फैमिली को टाइम देंगे तो आपका फैमिली के साथ टाइम अच्छा गुजरेगा। लेकिन अगर जो आपको कमज़ोरी है या फिर जो चाहे वो मेंटली है चाहे वो जिस्मानी है, तो आपको जो है आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपको गुस्सा आएगा और आपका काम करने को दिल भी नहीं करेगा, और आप जो है ऑफिस में भी सारा दिन जो है बड़ी मुश्किल से गुजारेंगे। होम्योपैथिक में बहुत सी अच्छी मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं, जिसके जो है जो जिस्मानी कमज़ोरी और जो है मेंटली कमज़ोरी और जिस्म के अंदर से जो है ये जो थकावटपन, ये जो एक जो है सुस्तीपन जो है ये दूर कर सकती हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी टॉप मेडिसिन है जो हम होम्योपैथिक यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी जो है बीमारी के बाद या फिर और किसी वजह जो हमारे जिस्म के अंदर कमज़ोरी है उसको दूर किया जा सके। यूँ तो होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जो हम जिस्मानी और मेंटली जो है कमज़ोरी के लिए दे सकते हैं, दिमागी कमज़ोरी के लिए दे सकते हैं, लेकिन जो है तीन ऐसी मेडिसिन जो हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जो दोनों कमज़ोरी यानी जिस्मानी और जो है दिमागी कमज़ोरी को और जिस्म के अंदर जो सुस्तीपन या जो बोझलपन महसूस होता है इसको दूर करती हैं। जो सबसे पहली मेडिसिन है जो मैं आपको एडवाइस करता हूँ वो कार्बोवेज है। कार्बोवेज जो है ये जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है और इसके अलावा जो दिमागी कमज़ोरी है उसको दूर करती है, और जिस्म में जो बात हुआ कुछ लोगों की ऑक्सीजन की जो प्रॉपर जो जज़ब नहीं हो रही तो उसको जज़ब होने में मदद करती है। तो अगर किसी पेशेंट को चलने में चक्कर आए, उसको चलने में दुश्वारी पेश हो और उसको कमज़ोरी महसूस हो, उसको लागरी महसूस हो, सुस्तीपन उसके अंदर हो, तो कार्बोवेज दे सकते हैं। तो कार्बोवेज जो है देनी कैसे, कार्बोवेज जो है हाइपोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, जो अगर तो एज 10 साल से 40 साल तक है तो कार्बोवेज के दो कतरे सुबह दोपहर शाम, सुबह कार्बोवेज के दो कतरे सुबह शाम दे सकते हैं, यानी दो कतरे सुबह देने और दो कतरे शाम देने हैं। तो देने ये थोड़े से पानी में डाल के भी दे सकते हैं या डायरेक्टली जो है दो कतरे ज़बान पर टपका सकते हैं। तो कार्बोवेज आपने 200 इस्तेमाल करनी है, यानी 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह अगर आप एक माह इस्तेमाल करते हैं तो आपको महसूस होगा जो आपकी जो कमज़ोरी है, जो आपको जिस्मानी या फिर दिमागी कमज़ोरी या फिर सुस्तीपन है या फिर जो है आपका किसी काम करने को दिल नहीं करता, तो इंशाल्लाह ये उससे ठीक हो जाएगी। तो आप इसको एक माह यूज़ करें, एक माह में इंशाल्लाह ताला आपको जो है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जो लोग जिनकी एज जो है 40 साल से ज़्यादा है, तो उनके लिए मैं एडवाइस करता हूँ कि वो जो है 1 mg यानी कार्बोवेज 1 mg ले सकते हैं, और कार्बोवेज 1 mg के सिर्फ 2 ड्रॉप जो है सुबह उन्होंने लेने, और
वो भी जो है 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनको भी जो है ये कार्बोविट जो है बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। तो ये है कि इससे जो जो अक्सर लोगों को जो जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जज्ब होने या जो सांस के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है, तो ये जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी को पूरी करती है और जो है कमजोरी और सुस्ती और लावरी को ख़त्म करती है। दोस्तों कार्बोविट जो है हेमोग्लोबिन की कमी को भी पूरी करती है और जिस्म के अंदर जो है ऑक्सीजन का प्रॉपर जज्ब होने से हेमोग्लोबिन जो है वो भी जो है इससे ठीक हो जाते हैं। कार्बोविट ना सिर्फ जो है जिस्मानी और दिमागी कमजोरी को ठीक करती है, इसके अलावा जिस्म के अंदर जो है होमोग्लोबिन की जो है मकदार को भी ठीक करती है। अच्छा एक और जो है मैंने इसके साथ जो है आप अगर कार्बोविट यूज़ करते हैं तो साथ में आप जैल्शियम के 2 कतरे वो भी शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैल्शियम भी जो है जो जिस्म के अंदर ताकत देती है और जो है निडालपन जो है सुस्ती कमजोरी को ख़त्म करती है। तो आप दोनों दवाएं एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप कुछ ही दिनों में जो है अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको जो है सुस्ती जो कहली जो जिस्मानी और दिमागी कमजोरी जो है ये ठीक आपको महसूस होगी। अच्छा दोस्तों उसके बाद जो अहम मेडिसिन है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्यों, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप कह सकते हैं अश्वगंधा के अंदर जो है कि मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और जो जिस्मानी और जो है दिमागी कमज़ोरी जो कुछ कमियां होती हैं उसको पूरा करते हैं और जो है इन मेंटल जो है और फिजिकल जो है वीकनेस को ख़त्म करते हैं। ये कह सकते हैं कि जो है अश्वगंधा क्यों जो है ये विटामिन और मिनरल्स का एक मरकब है। इससे जो है जिस्म के अंदर जो भी जो है मिनरल्स की विटामिन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है और जिस्म को ताकत देती है और जो चक्कर आना या कमजोरी या सुस्ती ये इससे ठीक हो जाती है। और ये देरी कैसी है, इसके जो मदर टंक्चर जो है अगर तो एज 10 साल से 40 साल के दरमियान है तो 10 से 15 कतरे जो है पानी के अंदर थोड़े 1/4 कप के अंदर डाल के जो है सुबह शाम ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में जो है जो ऐसा पेशेंट जो कमज़ोरी महसूस करता है, जिसको जो मेंटली कमज़ोरी महसूस होती है, जिसको थकावटपन महसूस होती है, इसके जिस्म के अंदर जो है अजीब कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, तो ये शिकायत जो है इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। उसके अलावा ऐसे लोग जिनकी एज जो है 40 साल से ज़्यादा है तो वो अश्वगंधा क्यों की जो मकदार थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, वो 20 से जो है 25 कतरे भी जो है सुबह शाम ले सकते हैं और इंशाल्लाह ताला उनको जो है इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और कि जो ये सुस्ती कहालीपन जो है और जो है जिस्मानी कमज़ोरी जो है और मेंटली कमज़ोरी जो है ये ख़त्म हो जाएगी और बहुत जल्द अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये भी जो आप कुछ दिन यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ दिनों में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ मैंने बताया कि आप जैल्शियम भी यूज़ कर सकते हैं, जैल्शियम के भी आप 1 या 2 कतरे रात को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थी दूसरी मेडिसिन जो मैंने आपके साथ बयान की और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और इसके बाद हम तीसरी मेडिसिन देखते हैं, तीसरी मेडिसिन कौन सी है जो हम वीकनेस के लिए, कमज़ोरी के लिए और जो है जो कमज़ोरी चाहे जिस्मानी हो चाहे दिमागी हो उसके लिए दे सकते हैं, वो है जिनसिंग। जिनसिंग का भी आपने नाम सुना होगा, जिनसिंग भी बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये जिस्मानी कमज़ोरी को बहुत जल्दी कवर करती है। थोड़ी सी अगर हम अदर दूसरे तरीके से अगर जिनसिंग लेते हैं तो वो उसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन होम्योपैथिक में जिनसिंग की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये कोई भी शख्स जो है मुनासिब प्राइस में इसको परचेज कर सकता है। और कह सकते हैं इसके अंदर भी जो है मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और जो लोग अक्सर थकान की शिकायत करते हैं तो इसके इस्तेमाल से उनकी थकान जो है दूर हो जाती है। इसके अलावा जो है ये जिस्मानी मर्द की जो जिस्मानी पावर है उसको बढ़ाती है और उसको ताकत देती है और जिस्म को जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है। जिनसिंग जो है ये कब्ज़ नहीं होने देती। इसके अलावा जो है कह लें कि ये मर्दाना पावर में इजाफा करती है और जो है कमज़ोरी को मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करती है कर देती है। अब जिनसिंग यूज़ कैसे करनी है, जिनसिंग जो है मदर टिंचर के में यूज़ करनी है, करना कैसे, अगर तो एज मैंने बताया वही 10 से 40 साल तक है तो 10 से 15 कतरे सुबह शाम थोड़े से पानी के अंदर डाल के ले सकते हैं। लेकिन अगर जो एज जो है 40 साल से अबव है तो ये मकदार ज़्यादा भी की जा सकती है और जो है 20 से 25 कतरे भी पानी के अंदर थोड़े से नीम गर्म पानी के यानी नॉर्मल पानी के अंदर जो कप में 1/4 कप के अंदर डाल के सुबह शाम ले सकते हैं। कुछ ही दिनों में जब आप लेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो आपको थकावटपन महसूस होती थी, आपको जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होती थी या फिर जो आपको मेंटली कमज़ोरी वीकनेस महसूस होती थी वो आपको ख़त्म होना शुरू होगी और आप अपने आप को चाको चौबंद जो है और तंदुरुस्त महसूस करते हैं। तो ये जो है
बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और आपके अंदर जो है, इसके अलावा जो आपके अंदर कोई अगर कोई जिस्मानी कमजोरी है या फिर कोई मर्दाना कोई वीकनेस है तो ये वो भी कवर कर लेती। तो दोस्तों ये होम्योपैथिक की तीन मेडिसन थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और जो वीकनेस को जो है जो चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो मेंटली हो उनको कवर करती है और जिस्म को तंदुरुस्त सेहतमंद बना देती है और जो है ये सुस्ती और काहली को थकान को ये ख़त्म कर देती है। बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि वो अक्सर जो है वो बीमार रहे हैं, बीमार होने के बाद उनके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है, तो ये मेडिसन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे इस्तेमाल करें, विज़िट करें और ये मेडिसन यूज़ करें तो इंशाल्लाह ताला ये जो बीमारी के बाद की जो कमज़ोरी है कुछ ही दिनों में जो है ठीक हो जाएगी और अपने आप को वो सेहत और तंदुरुस्त पाएंगे और जो है उनको चक्कर आना, उनका थकान होना, उनका काम करने में दिल ना लगना, ये सारे चीज़ें मसले उनके हल हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि जो है इसी तरह मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करता रहूँ। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।